कम उम्र की शादियों बारे कानून साजी का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। फिर के रोज इजलास भी तलब। IPP के MPA सारा अहमद ने कम उम्र की शादियों का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवाया। कमेटी में MPA शासिया आबिद, MP राहिला खादुम, MPA सारा अहमद और सेक्रेटरी कानून शामिल। कमेटी बिल के मसूदा का जायजा लेकर मंजूरी देगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से बरतानिया से आए तालीमी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ के काबिले जिक्र मंदुबीन और ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के नुमाइंदगान शामिल। गवर्नर पंजाब का कहना था, पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बरतानवी यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता एकेडमीज पंजाब की यूनिवर्सिटियों के साथ तालीमी तबादले को मजबूत करें। वकला पर दर्ज मुकदमात खत्म करने का मामला। वकला तंजीमों का 29 अप्रैल को मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार ने पीर को 11:30 बजे हड़ताल की कॉल दी। इलामिया के मुताबिक वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म। लाहौर के मॉडल टाउन कोर्ट्स में अदालतें मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन के मुकदमे में दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी 2 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एंटी करप्शन अदालत ने हकाइक के बरक्स जमानत बाद इस गिरफ्तारी खारिज की। मुकदमे में जमानत मंजूर की जाए, परवेज इलाही की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया गया। पासों को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरें बेबुनियाद, पावर डिवीजन ने तस्दीक कर दी। एलानिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। घरेलू सनअती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1.90 रुपये का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेस्को का ओवरबिलिंग का शिकार सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देने का फैसला। CEO लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर कमेटी तश्कील। कमेटी ओवरबिलिंग की शिकायत पर MNT रिपोर्ट मीटर्स की तस्वीर का जायजा लेकर ज्यादा यूनिट्स निकालेगी। ओवरबिलिंग करने वाले मुलाजिम या अफसर का तायुन करके मेहमाना कार्रवाई करेगी। कानून दान आसिमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नसीर तारर और दीगर का इजहार ख्याल। तकरीब 22 मुख्तलिफ सेशंस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और यूरोप बरतानिया और नॉर्वे के सुफरा की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी शख्सियत शरीक होंगी। पाकिस्तान बार, पंजाब बार समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू। लहसुन 750, अदरक 700, लीमू 250, प्याज 180, टमाटर 130 रुपये किलो फरो। भिंडी 450, अरबी 350, मटर 250, करेले 180, गोभी बैंगन और आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 1100 से 350, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 160, खरबूजा 150 रुपये किलो में दस्तयाब। तलब में कमी के असरात, ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता फी किलो, कीमत 602 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो तक कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये में दस्तयाब। ए
एलजीए सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा लोचियों को उनका हक देने के लिए एक और हिकमत अमली। स्कीम को आबाद करने के लिए मजीद तरक्याती काम करने का फैसला। एलजीए सिटी के सी ब्लॉक के बाद मजीद प्लॉटों में डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। बारिशों के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला का हिफाजती इकदाम का हुक्म। इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहे। निकासी आप के लिए तमाम वसाइल प्रोय कार्ड लाए जाएँ। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रवानदवा रखने के लिए भी तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फॉल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की हिदायत। एफआईए के कार्रवाई नादरा के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुहेब को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम एजेंट की मिलीभगत से अफगान शहरी का पासपोर्ट बना रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शनाख्ती कार्ड बनवाने के इवज मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए वसूल किए गए। दो इदारों की जंग से लाहौर का बड़ा पार्क तबाह हाल हो गया। कलमा चौक सेंटर पॉइंट पर वाकई नेशनल पार्क की हालत इजार। पीएचए और सीबीटी पंजाब की चपकलिश से शहरी सस्ती तफरी से महरूम। पार्क में वाकई झील का पानी साफ न होने से ताखुन उठने लगा। झील पर बनाई पुल खस्ताहाल। बेशतर मकामात से पुल ही गायब।